straight up girl. पूरे साल में आप कितनी बार ब्लड डोनेट करते हैं? मैं पूरे साल में कोशिश करती हूँ कि 2-3 बार ब्लड दे सकूँ, लेकिन 30 अप्रैल के दिन यहाँ सूद नवंबर में एवरी ईयर ज़रूर करती हूँ, और मैं और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सब आके करते हैं यहाँ पे। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि एवरीबडी शुड कम एंड डोनेट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नोबल कॉज, बिकॉज समबडी विल गेट लाइफ फ्रॉम द ब्लड ड्रॉप्स व्हाट यू विल गिव। सो आई सर, पहले आप अपना नाम बताइए। प्रदीप सो। प्रदीप जी, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, कितने सालों से आप लगाते आ रहे हैं, और क्या आपका मोटो रहता है ये ब्लड डोनेशन कैंप? पिछले 6 सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंप सभा लगा रही है, और इसमें मोटो ये रहता है कि हम अपने सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो ब्लड डोनेशन है एक बहुत अच्छा कॉज है, और ये बहुत ज़रूरत रहती है इसकी, और इसलिए हम ये सब करते हैं। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप आप पहले भी लगाते हैं, तो एक ब्लड डोनेशन कैंप में कितने यूनिट आपका ब्लड आया? हमारा 150 यूनिट से ज़्यादा आ जाता है, 150 यूनिट प्लस आ जाता है। तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, या आप अपने लेवल पर लगाते हैं? नहीं, हम सेक्टर बदलीस का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके साथ मिलकर लगाते हैं। इस बार हमने पिछले साल भी और इस साल भी हमने इंडियन डेंटल एसोसिएशन मोहाली के साथ मिलकर ब्लड कैंप लगाया। डॉक्टर साहब का कहना है ये आईडी। डॉक्टर साहब, ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है आईडीए के सौजन्य से, तो इसमें आपका क्या सहयोग इस सभा के लिए रहेगा, और ऐसे क्या और जो एनुअल आपकी कॉजेज रहते हैं तो उसके बारे में? ऐसा है कि पिछले 4 साल से हम हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, इसी टाइम पे करते हैं, अप्रैल मई में। एक्चुअली गर्मियों की वजह से कैंप्स की कमी हो जाती है, ब्लड डोनर्स में कमी आ जाती है, तो इसलिए हमने सोचा है कि डॉक्टर्स हैं तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इसी महीने में, जिसमें कम लोग डोनेट करते हैं गर्मी की वजह से,
हम लोग डोनेट करेंगे। और इसमें आईडीए मोहाली के जितने भी मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, प्लस सूद सभा के जो मेंबर्स हैं, ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि एक यूनिट का मतलब तीन लोगों का फ़ायदा, क्योंकि जीएमसीएच 32 में ब्लड सेग्रीगेशन यूनिट है, तो वो क्या करते हैं, एक यूनिट के तीन यूनिट बना लेते हैं, प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट, अभी आपने आज खबर पढ़ी होगी अखबार में चिकनगुनिया के 3 केसेस, इसका मतलब प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट तभी मिलेंगे जब कोई डोनेट करेगा। सो जो भी डोनेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लार्जर सोसाइटी को ज़रूरत है, प्लस ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, ब्लड डोनेट करना हर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए अच्छा है सेहत के लिए, हम इसलिए सब डॉक्टर्स डोनेट करते हैं। डॉक्टर साहब एक और बताइएगा, जैसे हम ब्लड डोनेट हो जाता है, जो डोनेट करके जा रहा है तभी उसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में उनको क्या प्रेफरेंस होती है कि भी उन्हें मिलने में आसानी हो जाए? बिल्कुल ठीक है जी, हमने ना फेसबुक पे आईडी मोहाली और सूद सभा की पूरी लिस्ट डाली है वॉलंटरी डोनर्स की, जैसे मेरा सर्टिफिकेट मेरे को मिलेगा, सो अगर मैं वो सर्टिफिकेट भी किसी को दे दूं तो उसके लिए मैं बगैर ब्लड यूनिट लिए GMCH 32 उनको एक यूनिट ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट देगा उस सर्टिफिकेट के बदले में। सो ये आज का तो जो फ़ायदा मुझे सेहत का हुआ है, उस सर्टिफिकेट का आने वाले साल में फ़ायदा होगा, अगर मैं किसी को वो सर्टिफिकेट दे दूंगा तो उसके लिए मैं उनको ब्लड मिलेगा। और हर साल हम करते रहते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स हम आगे देते रहते हैं जहाँ भी ज़रूरत है।